हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस आलू पापड़। आप देख सकते हैं कि आलू पापड़ कितने करारे बने हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं और सफ़ेद बन रहे हैं। इस पापड़ को आप सालों साल रख के खा सकते हो। सो गाइस, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि पापड़ कैसे बने, तो मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप बनाएंगे पापड़ तो इसी तरीके आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे और बहुत ही बढ़िया करारे करार दे सकते हैं इस तरीके से पापड़ बनाते हैं। सो गाइस, चलते हैं पापड़ बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं गैस काला पापड़ भी नहीं हुआ है और सफ़ेद है। तो गैस पापड़ बनाने के लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। वो बॉईल करने के लिए आपको इस तरीके से अच्छे से बॉईल करना है और अंदर कच्चा ना रहे। अगर कच्चा रहेगा तो आपका पापड़ बिल्कुल बेकार बनेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आलू अंदर से पक गया है। तो पकने के बाद इसको ठंडा ना होने दें, और जैसे ही ये गर्म है, हल्का गर्म है, और गर्म में ही आप इसको आलू को छील लेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो आपके पापड़ जो बनाएंगे तो उसमें लच्छे जो होते हैं कद्दूकस करेंगे या सिलबट्टा से करेंगे तो उसमें गुठली रह जाएंगी और आपका पापड़ बिल्कुल बेकार बनेगा। सो गाइस, आलू अभी गर्म है और इसको फटाफट छील लेते हैं। सो गाइस, आलू के पापड़ बनाने के लिए आलू को इस तरीके से छील लेंगे, और ध्यान रहे कि आलू को गर्म ही रखना है। ठंडा कर लेंगे तो आलू के पापड़ आपके बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ के लिए आपको ध्यान दे दीजिएगा। एक बड़ा तसला लेंगे और तसले पर रखेंगे कद्दूकस। तो कद्दूकस आपके पास अगर महीन है तो महीन वाला ले लीजिए, मोटा है तो मोटा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे रखेंगे इस तरीके से ये आलू, और आलू को कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। कद्दूकस करने के लिए गैस आलू गर्म ही रहना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो आपके पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये गैस आलू गर्म है और इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो वैसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे सारे आलू को। आलू को गैस इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद जो कद्दूकस की जो इस तरीके से जो कद्दूकस की निशान होते हैं ये आप देख सकते हैं, तो इसको सबसे पहले मैश कर देंगे। इस तरीके से जब मिक्स कर लेंगे तो ये कद्दूकस के निशान जो लंबे लंबे होते हैं तो पापड़ में गैस ना आए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस आपको सिलबट्टा चलाने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनेंगे। तो जब इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें लस आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कद्दूकस के निशान जो थे वो भी चले गए मिक्स करने से, और ये लस भी आ गया पापड़ का। अच्छे से मैश कर लेंगे आलू को गाइस। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए ये हल्का सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप ज़्यादा गर्म होगा तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद मैश करने के बाद रख दीजिए, और रखने के बाद ये ठंडा हो जाए तो इस ठंडे में ही आप नमक मिलाइएगा। अगर गर्म में मिला दिया तो आपका आलू जो है पानी छोड़ देगा। तो इसमें डालेंगे गाइस 100 स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डालेंगे गाइस पापड़ बनाने के लिए जीरा, और इसमें पापड़ के लिए गाइस मोटी मिर्च रखिएगा जो थोड़ी सी थोड़ी दाने दिखते हैं, बिल्कुल महीन नहीं लीजिएगा। अगर महीन आप लेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल लाल लाल बनेंगे, तो इस चीज़ का गाइस ध्यान लीजिएगा। तो गाइस आप मोटी ही लीजिएगा। तो ये ले ली लाल मिर्च। तो अच्छे से कुछ कड़ू बनाने हैं गाइस, तो इसमें मैंने कुछ चटपटे बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 3 टीस्पून लाल मिर्च डाली है। 3 टीस्पून मैंने डाला है नमक, और जीरा 1 टीस्पून, और इसमें डालेंगे गाइस 1 टीस्पून ऑयल। तो गाइस कड़वा तेल ले लेंगे और 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। तो ये रहे गाइस चटपटे आलू। अब इसको क्या करेंगे, हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से, और मिक्स करते समय गाइस ध्यान दीजिएगा हल्का सा आलू गुनगुना भी ना हो, नहीं तो आलू पानी छोड़ देगा। तो ये इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो गाइस अच्छे से मिक्स हो गया है।
तरीके से मिक्स कर लेंगे। जीरा और मिर्ची का इस पापड़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, तो क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। अगर नमक हल्का होगा या लाल मिर्च कम होगी तो बिल्कुल चटपटे नहीं लगेंगे। तो पापड़ को गाइस बनाना है चटपटा, तो मैंने तो कुल मिर्च डाली है और बढ़िया नमक अच्छे से डाला है। तो ये गाइस अच्छे से मिक्स हो गया है और हल्का सा तेल लगाने से गाइस आपस में चिपकता नहीं है और आलू में बहुत ही बढ़िया आपके पापड़ बनेंगे। इस तरीके से गैस बनाने के बाद क्या करेंगे, मैंने लिया है तेल कड़वा और इसको हाथ तेल में इस तरीके से लगा लेंगे और इसकी छोटी लोई बना लेंगे। तो लोई गैस पापड़ की आकार की बनानी है, जिस तरीके से आलू अगर आपको बड़ा रखना है तो बड़ा रखिएगा, छोटा रखना है तो छोटा रखिएगा। तो गैस इस तरीके से मैं लोई बना रही हूँ और छोटी छोटी पापड़ अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके से लोई बना लेंगे। तो वह सारी लोइयों को इस तरीके से बना लेंगे। मिलते हैं लोई बनाने के बाद। परफेक्ट लोई बनके तैयार हो गई है। सो गाइस आलू की इस तरीके से पापड़ बनाने के लिए लोई बनके तैयार हो गई है और मैंने लोई परफेक्ट तैयार कर ली है। तो अब गाइस देर ना करते हुए फटाफट बनाएंगे पापड़। अगर लोई को आप 10 मिनट भी अगर ऐसे ही रखे रहने देंगे तो आप ये लोई जो है गीली हो जाएंगी। तो देर नहीं करना है और फटाफट ही पापड़ बनाना है। तो गाइस चलते हैं पापड़ बनाने के लिए। पापड़ बनाने के लिए गाइस मैंने एक पन्नी ली है और पन्नी को इस तरीके से गोल शेप में काट लेंगे। इस तरीके से गोल शेप में पन्नी को ठीक कटिंग कर लेंगे। तो गैस पापड़ बनाने के लिए आप चाहें तो धूप में भी बना सकते हैं। मैंने गैस कमरे में आप देख सकते हैं कि मैंने रूम में ही पन्नी बिछा ली है और पंखा चला देंगे तेज और पापड़ फटाफट सूख जाएंगे। पंखे में गैस पापड़ काले नहीं होते हैं और धूप में काले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं छाई में बना रही हूँ पापड़। तो पापड़ के लिए लोई तैयार हो चुकी है और पापड़ बनाने के लिए ली है मैंने ये मशीन पापड़ बनाने वाली। छत पर अगर बनाना चाहें तो गैस छत पर भी बना सकते हैं, धूप में भी फटाफट सूख जाते हैं, लेकिन धूप में गैस मैं नहीं बना रही हूँ, धूप में गैस पापड़ जो है काले हो जाते हैं। तो ये पन्नी जो है इस तरीके से ये मशीन लेंगे और इसके ऊपर पन्नी बिछा लेंगे और इसमें लगाएंगे तेल, कड़वा तेल लगाया है और एक मैंने लोई रखी है और दूसरी पन्नी लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और ये मशीन को दबा देंगे और इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस पापड़ इस तरीके से बन गया है। एक पन्नी दो पन्नी है गाइस, तो एक पन्नी को इस तरीके से निकाल लेंगे और ये पापड़ जो है ऐसे डाल देंगे। इसी तरीके से पापड़ बनाएंगे गाइस। फिर दूसरी पन्नी रखेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ कितना बढ़िया बन रहा है जी। अगर आपके पास गैस मशीन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मशीन सबके घर में अवेलेबल नहीं होती है तो बगैर मशीन के भी बना लेंगे पापड़। मशीन को हटा देंगे और इस पर लोई रख देंगे पन्नी पर, इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे कड़वा, इसके ऊपर एक पन्नी और रख देंगे। और आपके घर में गैस प्लेट तो होगी, तो ये मैंने नॉर्मल प्लेट ली है और प्लेट को इस तरीके से दबा देंगे। अब ये आप देख सकते हैं गैस पापड़ बन गया है और उंगली से इस तरीके से कर देंगे थोड़ा सा पतला। प्लेट से भी गैस इस तरीके से पापड़ बना सकते हैं। अगर गैस प्लेट से बनाने में भी अगर आपको दिक्कत होती है और पतला चाहिए तो इस तरीके से लोई रख लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके ऊपर एक पन्नी रख देंगे। तो गाइस मैंने लिया है चका, चका तो अवेलेबल हर घर में होता है, तो इस पर चके को इस तरीके से पलट देंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। इससे भी गाइस फटाफट बन जाते हैं पापड़। तो ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है।
इसी तरीके से दूसरी जगह भी लोई रख देंगे और इसको प्रेस कर देंगे और इस जगह से इस तरीके से दबा देंगे। तो ये रहा गाइस पापड़। तरीके से गाइस फटाफट पापड़ बना के तैयार कर लेंगे, मिलते हैं पापड़ बनाने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि पापड़ इस तरीके से मैंने रूम में डाल दिए हैं और पंखा चला दिया है खूब तेज, और ये हवा से ये इस तरीके से सूख जाएंगे और इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद पूरी रात इसी तरीके से पड़े रहेंगे और फिर ये बढ़िया सूख जाएंगे, करारे हो गए होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये पापड़ सूख रहे हैं पंखे में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं और इस तरीके से पापड़ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं, और फ्रेश पापड़ बना है। इसकी कटराहट से गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पापड़ आप बनाइए और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइस पापड़ मैंने बनाए हैं और पापड़ ये वाले भी आप देखिए जो मैंने बहुत ही ज़्यादा लाल मिर्च वाले बनाए हैं, जो मैंने मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है इसमें, क्वांटिटी मिर्च की थोड़ी सी कम है, और ये मैंने बनाए हैं कुछ चटपटे पापड़। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइए पापड़ आलू के और बहुत ही ज़्यादा अच्छे, इसकी कटराहट आप देख सकते हैं इतने बढ़िया लग रहे हैं, कटराहट से ही लग रहा होगा कि हाँ पापड़ बहुत ही बढ़िया बने। तो गाइस देर न करते हुए आप पापड़ों को तल लेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस गैस को ऑन करेंगे, गैस पर गैस मोटी लेयर का ही आप रखिएगा, नॉन स्टिक कढ़ाई बहुत ही हल्की होती है, तो वैसे ही मैंने नॉन स्टिक मोटी फ्लेम का ये फ्लेम रखा है और इसको गर्म कर लिया है और ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें पापड़ डालेंगे, पापड़ करने के लिए गैस एक थाली ले लेंगे और ये थाली अलग रख लेंगे, और लूंगी मैं एक चिमटा, तो गैस चिमटे से तलेंगे, चिमटे से फटाफट तल जाते हैं और देर भी नहीं लगेगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसको लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें पापड़ डालेंगे। तरीके से पापड़ को उठा लेंगे, पापड़ को गाइस इस तरीके से रखेंगे ताकि इसका तेल जो होता है वो निकल जाएगा, और अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो ये खड़ा रहेगा तो ये तेल इसमें भरा रहेगा। तो गाइस इसमें ध्यान दीजिएगा, तो पापड़ को इस तरीके से अलग रख देंगे और एक परछी लगा देंगे ताकि तेल नीचे आ जाए। तो इसी तरीके से पापड़ों को तल लेंगे, और इस पर रखते जाएंगे एक साथ पापड़ ताकि तेल भी निकल जाएगा और पापड़ भी आपके आसानी से चल जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये आलू के पापड़ इतने बढ़िया बन रहे हैं और तल के भी निकल रहे हैं बढ़िया तेल में नहा के। चाहे तो दोनों तरफ से इस तरीके से पलट सकते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं कि पापड़ को मैंने एक जगह इस तरीके से रख लिया है और ये पापड़ आसानी से तेल भी निचोड़ रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अगर करछली से करेंगे तो गाइस इसमें तेल भर जाएगा और ये पापड़ आपके अच्छे नहीं लगेंगे। जितनी अवेलेबल हो उतनी ही बनाइएगा। गैस को ऑफ कर देंगे, गैस को ऑफ कर दिया है और अभी गर्म है, इसमें और तल लेंगे। तो गाइस आपने देखा कि नॉन स्टिक वाले उसमें मोटी लेयर का ही कढ़ाई लीजिएगा पापड़ तलने के लिए, तो आसानी से पापड़ तल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पापड़ जलेगा नहीं क्योंकि आलू का पापड़ है, आलू का पापड़ बहुत ही जल्दी जलने लगता है। गैस की क्वांटिटी भी आपको थोड़ी सी लो फ्लेम पर रखनी पड़ेगी, तब आपके आलू के पापड़ अच्छे बनेंगे। तो ये रहे गाइस आलू के पापड़, आलू के पापड़ मैंने तल लिए हैं और इसका ऑयल जो है वो नीचे चला गया है और पापड़ आराम से निकल गए हैं तेल। तो अब गाइस इसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस ये रहे आलू के पापड़ तल के तैयार हो गए हैं, और आपको गाइस आलू के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और एक बात और आप गाइस ध्यान दीजिएगा, ये आपके आलू के पापड़ सालों साल खराब नहीं होंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा आलू के पापड़ और इसको एयर टाइट डिब्बे में, कनेस्टर में, किसी में जिस अवेलेबल आपके पास हो उसमें आपको रखिएगा और पापड़ खराब भी नहीं होंगे। ज़्यादा इसमें पापड़ बनाते समय ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस तरीके से पापड़ बन के तैयार हो गए हैं, और इसकी कटाहट से आपको पता चलता है कि हाँ पापड़ किस तरीके से बढ़िया बने हैं।
गाइस कम्युनिटी ऑप्शन में एक मेरा नया चैनल है, उसमें भी शॉर्ट्स की वीडियो डालते हैं, उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पापड़ खाइएगा, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पापड़ खाइए चाय के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो